हेलो चिल्ड्रन, आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको आज मिसिंग लेटर बताऊंगी। इससे पहले आपने लेटर में स्पेलिंग्स पढ़ी, ए टू के लेटर मैंने आपको बताया। आज आप मिसिंग लेटर कैसे बनते हैं, कैसे मिसिंग लेटर को यहाँ पे लिखते हैं, वो आप देखेंगे, आज सीखेंगे। तो बेटा स्टार्ट होइए और लिखना स्टार्ट कीजिए कि हमारे मिसिंग लेटर कैसे। सबसे पहले मिसिंग मतलब होता है, मिसिंग मीन्स जो हमारा ये कॉलम है यहाँ पे कौन सा लेटर मिस हो गया है, यानी यहाँ पे कौन सा लेटर हमारा यहाँ पे ब्लैंक है, खाली है ये लेटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फाबेट लेटर में यहाँ ए के बाद हमारा कौन सा लेटर मिस हो गया है, यहाँ पे कौन सा लेटर हमारा नहीं है, क्योंकि ए लेटर के बाद यहाँ ये देखिए ये गैपिंग है और ये इसके बाद क्या आ गया, सी लेटर। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा लेटर मिसिंग ए के बाद कौन सा होता है। तो ए के बाद हमारा कौन सा लेटर होता है बेटा, ए के बाद हमने आपको अल्फाबेट में बताया, ए के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा होता है, बी। तो हमारा यहाँ पे मिसिंग लेटर कौन सा होगा, बी। ए के बाद क्या आएगा, बी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लेटर बी, ये हमारा मिसिंग लेटर। यहाँ पे कौन सा लेटर मिस हो गया था, बी। इसके बाद नेक्स्ट लेटर हमारा सी। तो हम यहाँ देखते हैं कि सी के बाद हमारा कौन सा लेटर आता है, तो सी के बाद कौन सा लेटर आएगा बेटा, सी के बाद लेटर आता है हमारा डी, और डी के बाद ई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा लेटर बेटा, डी। सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग, यानी हमारे यहाँ हमारा लेटर यहाँ पे कौन सा आएगा, डी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे डी लेटर। डी के बाद हमारा कौन सा लेटर यहाँ पे आया है, ई। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं कि ई के बाद हमारा कौन सा लेटर आता है, ई के बाद हमारा ये कौन सा लेटर आता है बेटा, यहाँ पे मिस कौन सा लेटर हो गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ई के बाद हमारा लेटर आता है एफ, एफ फॉर फिश। तो हम यहाँ बेटा कौन सा लेटर लिखते हैं, एफ। एफ के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा लेटर आया बेटा, जी। और जी के बाद नेक्स्ट लेटर हमारा आएगा एच, जी के बाद एच। तो हमारा यहाँ लेटर कौन सा, यहाँ पे लेटर हम लिखेंगे एच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आता है एच के बाद आई। तो यहाँ पे कौन सा लेटर हमें लिखना है, यहाँ पे लेटर हमारा एच के बाद मिस हो गया है, कौन सा लेटर यहाँ पे लिखना है, एच के बाद आई, एच के बाद आई। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा लेटर आया, जे, जे फॉर जग। जे फॉर जग के बाद हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ कौन सा लेटर हमारा मिस हो गया है, तो कौन सा लेटर हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम कौन सा लेटर लिखते हैं, जे फॉर जग के बाद क्या आता है, के फॉर काइट। तो जे फॉर जग के बाद हम कौन सा लेटर लिखेंगे बेटा, के फॉर काइट। तो नेक्स्ट लेटर हमारा आया के फॉर काइट, ये हमारे मिसिंग लेटर। इसको बेटा आप एक एक लेटर को बारी बारी से पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए। इसको मिसिंग लेटर करने से पहले इसको अल्फ़ाबेट को अच्छे से पहले रीड कीजिए, इसको लर्न कीजिए, उसके बाद मिसिंग लेटर हमारा जो भी आता है उसको वन बाय वन आप इसको रीड करेंगे, तो ये आपको मिसिंग पता चलेगा कि हमारा कौन सा अगला लेटर आएगा, मिसिंग लेटर हमारा कौन सा है। इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा, इसको अपनी नोटबुक में वर्क में कीजिए और अपनी राइटिंग बुक में जो हमने पीडीएफ के माध्यम से आपको दी है, वर्क दिया है, अपनी राइटिंग बुक में वर्क आप कंप्लीट कीजिए और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके बेटा।